जैसे जैसे वहाँ बढ़ रहे हैं बारिश तेज होता जाओ, मत जाओ, मेरी बात मानो आप लोग। सही में रुक जा रुक जा, दिख नहीं रहा इसमें कैमरे में, लेकिन कोई जैसे बैठा है कसम से। देख ये वीडियो में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ज़ूम कर। देखो देखो अब दिख रहा है, वीडियो है, वीडियो में दिख रहा है हल्का हल्का है। देखो हाँ भाई साहब, पहले से ही कोई वहाँ बैठा हुआ। अभी ये मत सोचना कि क्या हुआ जीशान, क्यों अब डर लेने लगा? सब लोग तो है रे साथ में, देख सब लोग जा रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, गाड़ी मतलब निकल नहीं पा रही है यहाँ से सही से, पता नहीं क्या नौटंकी हो रहा है। देखो उतर के सब लोग रास्ता वास्ता क्लियर करवा रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत श्री अकाल यू ब्यूटीफुल पीपल, तो की हाल चाल है आप सभी के? तो भाई साहब जिसका इंतजार था वही शायद होने वाला है, आपको बताते हैं क्या होने वाला है। तो भाई साहब ये देखो चारों तरफ बादल घेर लिया है, मतलब बारिश शायद हो, कल रात से ही है लेकिन बारिश हुआ नहीं है। लेट्स सी वेदर फोरकास्ट में तो दिखा रहा कि होगा, हो जाए तो अच्छी बात रहेगा। जीशान क्या लगता है बारिश होगा कि नहीं? हाँ, कल परसों से ही बादल घेर के रखा है लेकिन बारिश हो तो नहीं रहा है? आज हो सके शायद हो, रात हाँ? को थोड़ा सा हुआ था। थोड़े से कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा बारिश चाहिए। ये देखो क्या लगता है कितने टाइम में होगा? ये देखो अभी दिन के 2 बज रहे 2:30 बज रहे हाँ? अरे जीशान अमरुद तो खाने जा रहा है, ये बता, ये देख 2:30 बजने वाला है, खाना वाना खाया कि नहीं? क्यों अभी नहीं खाया? स्कूल से आया था, सो गया था। बाहर चले? चलो हाँ बाहर चलते हैं खाने। क्या खाएगा? कुछ भी मतलब चट्टू चट्टू। और भाई साहब हमने तो एक चीज बताया ही नहीं कि जीशान का एग्जाम स्टार्ट हो चुका। कितने पेपर हो गए जीशान? 3 पेपर। 3 हो गए, कौन कौन से हुए? हिंदी हुआ है, एमएस ड्राइंग और वो क्या बोलते हैं कंप्यूटर। बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है। कल भी एग्जाम? चलो सही है, कल लोग की छुट्टी है तो चलते हैं। चलो वरना मैं ना थार में जाएंगे तो अपनी अलकाजार में। वाह जीशान वाह, तू तो शायर भी हो गया। चलो कार से जाएंगे भाई साहब, थोड़ा एंजॉय करते हुए। तो भाई साहब हम पीने आए हैं चाय, ऐसे बारिश के मौसम में चाय पीने का मजा ही अलग है ना। क्या गाना लगाते हैं जीशान ये इंस्टाग्राम रीलर लोग इस पे? तलब 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 ए तलब है तेरी। और भाई साहब फटाफट हमने चाय पी लिया और बारिश स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की, ये देखो बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। चले घर जीशान? चलो। और ये देखो भाई साहब हम घर पे आए और यहाँ दिख रहा है कि नानी हमारे रूम में बैठी है। नानी भैया क्या हाल चाल है? ठीक हाल चाल है भैया। तो अरे कमरा में बैठी है। कैसा लग रहा है? अरे बढ़िया लगा तो। ठंडी लग रहा है? भैया कमरे अल्लाह कमाई में खूब बरकत दिए। सुम्मा आमीन, खूब करे आमीन, खूब रुपया कमाए। अरे नानी क्या छोटे बच्चे की तरह तुमको खिला रही। और भाई साहब फिलहाल अभी छत पे आ गए हैं इसलिए क्योंकि निक्की का थोड़ा फोटो शूट करना था, इसके लिए लाओ बताते हैं कितना अच्छा फोटो आया। लाओ अभी खींचा हमने फोटोस, ये देखो। तो ये सारे फोटोज आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। यस बहुत सारे फोटोज लिए हमने, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। मतलब बारिश होने वाली है भाई साहब, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुका है, बड़ा बड़ा वाला लगता है कि तेज बारिश होगा। चलो नीचे चलते हैं। चलो और भाई साहब बाहर बारिश स्टार्ट हो गया है और शाम के कितने बज रहे हैं भाई साहब? 5 बज गए हैं और यहाँ पे हम बनवा रहे हैं मैगी। यस मैगी खाने का मन है। ये देखो भाई साहब फैमिली पैक लेके आए हुए थे, निक्की बना रही है। सुना बहुत बढ़िया बन रहा है।
जी साहब, बहुत तगड़ा मैगी बन रहा है, सुना तू भी खाएगा। वाह। और भाई साहब ये हमारा मैगी बन के आ गया है, बड़ा टेस्टी है भाई साहब, तो खाते हैं फटाफट, उसके बाद से मिलते हैं। और भाई साहब सिर्फ मैं ही मैगी नहीं खा रहा हूँ, सारे लोग खा रहे मैगी। वाह 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 वाह। जिशान तो कढ़ाई उठा ला है, चम्मच से निकालना। कढ़ाई में खाएगा ना तो तेरे शादी में बारिश होगा पागल, कसम से। हाँ कढ़ाई में खाने से शादी में और भाई साहब मुझे आप लोगों को एक बात बताना कि बहुत दिन से मैं और मेरी टीम डिस्कस कर रहे थे कहीं हॉन्टेड प्लेस पे घूम के आने के लिए। तो हमारे गांव के बगल में एक हॉन्टेड प्लेस है जहाँ की भाई साहब बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ पे रात में कोई जाता ही नहीं, बहुत कम लोग विजिट करते हैं वहाँ पे, 8 बजे के बाद कोई जाता नहीं है वहाँ, अकेले तो नहीं जाता, मतलब अगर रहेंगे भी तो ग्रुप में लोग जाते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, मतलब हम लोग रहेंगे और गांव के एक दो लोग को और ले लेंगे जिनको थोड़ा पता है वहाँ का, नहीं तो हम लोग जाए और कुछ कांड हो जाए वहाँ पे। तो आज हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, अभी देखो शाम के 5:30 बज रहा है, अभी जब रात के 10-11 बज जाएगा तो आज हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जी शाम तू भी चलेगा? हाँ। ये डर के मारे इसकी फट जाएगी। हाँ। मेरी फट जाएगी। तो हमने गांव के एक दो लड़कियों को बोल दिया है जो थोड़े से तगड़े हैं, तो वो हम लोग के साथ चलेंगे, है ना। चलो ये बताओ तुम भी चलोगे हॉन्टेड जगह घूमने? हम लोग आज जाने वाले हैं। ये निक्की तो इतना डरती है, अगर वो वहां चली जाएगी तो बेहोश हो जाएगी। ये मैक से डर जाती है, अगर मैक थोड़ा हिल जाएगा, थोड़ा पर्दा ऐसे ही हाँ तो अगर ऐसे ही बोल दो चाची को भी लेके चलो। अरे ये बेहोश हो जाए, खुद तो डरेंगी दूसरों को भी डरवा देगी। ये सब लोग बाबू निकले करेंगे, उधर ही अटक जाएगी मेरी वजह से बेहोश हो। तो भाई साहब मेरे घर में सबसे डरने वाला व्यक्ति जो है वो है निक्की। एक्चुअली निक्की गांव में रही नहीं है, मुंबई में रही है, और मुंबई के लोग बहुत ज्यादा भूत भूत से डरते हैं, गांव वाले तो चलो थोड़ा कम डरते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, मतलब वहां के लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। तो निक्की को नहीं लेके जाएंगे। अच्छा सुनो, जो तगड़े लोग को लेकर जा रहे हो, कभी उन लोग भी डर गए तो तब तो 9-11 हो जाएंगे हम लोग वहां से। A few moments later. तो भाई साहब रात के 11 बज चुके हैं, हमने खाना वाना खा लिया है और ये देखो हमारी पूरी टीम रेडी है वहाँ पे जाने के लिए। एक्चुअली ढेर सारे लोग हम लोग लेके जा रहे हैं साथ में, कोई भी कोई, सीन होगा तो सब संभाल लेंगे, पंगा हो तो भाई साहब संभाल सके। और हम लोग चल रहे हैं अपने अलकाजार से, और हल्की हल्की भाई साहब बारिश भी हो रही है, तो चले भाई साहब कोई डरना उरना नहीं भाई वहाँ पे, ना डरवाना। तो भाई साहब नूर आलम बताने वाले हैं उस जगह के बारे में कि कैसी है वो जगह। भाई साहब जगह बहुत हॉन्टेड है, 8 बजे के बाद वहाँ से कोई आता जाता नहीं है। हाँ? क्योंकि जगह बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, हम लोग के गांव के थोड़े से दूर पे है, काफी खतरनाक है भैया। एक्चुअली वहाँ शमशान घाट वाट भी है ना, तो इसके लिए हम तो कह रहे हैं। तो भाई साहब एक टॉर्च ले लिया हमने और बेसबॉल का बैट वैट ले लिया है, सब लेके हम लोग चल रहे हैं वहाँ भाई साहब वीडियो बनाने के लिए, देखने के लिए क्या एक्चुअली वहाँ होता है। हाँ। चले भाई साहब, ये ले लो भाई, बीन उन हो तो ले लो। भाई साहब गांव के बाहर हम लोग आ चुके हैं, अब धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रहे हैं जो जगह है। अभी से गाड़ी में ही डर लग रहा है। सही सुनसान देख के रास्ता भाई साहब बहुत बहुत ज्यादा पतला है ना, काफी पतला रास्ता है और उससे खतरनाक जगह है। तो भाई साहब फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, और ये इधर ये जो रास्ता जा रहा है यहीं से वो रास्ता जाता है वहाँ जाने का। ये देखो पतने का खटिया उठिया है भाई साहब, ये कब खटिया उठिया का उठा रहे हो, बाकी रखो चलो
चलो चलो आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब हमने पार्किंग लाइट चालू कर दिया ताकि गाड़ी वहाँ पे जाएगी नहीं, हाँ लेके जाएंगे तो बच भी सकता है। और ये देखो भाई साहब जहाँ हम लोग आए हैं वहाँ देखो हालत क्या हुआ है भाई साहब, टायर खत्म, ग्रिप ही नहीं बनेगा टायर में। चलो क्या हुआ जीशान, क्यों अब डर लेने लगा? सब लोग तो हैं रे साथ में, देख सब लोग जा रहे हैं। वो देखो भाग गए सबके बीच में भाई साहब, टॉर्च और सब लाए। देखो हमारी गाड़ी उधर है, उधर लाइट जल रहा है। ए कोई किसी का साथ नहीं छोड़ेगा, हाँ सब लोग साथ में रहना। हाँ चलो भाई साहब, हम लोग गांव के इतने बाहर ना कि गांव वाले जो लाइट वाइट चलते हुए देख रहे हैं आप ना, वो लोग वहाँ से दो तीन लोग गाड़ी पे टॉर्च जला रहे हैं कि कौन आए। कोई हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग आगे जाएं या रुक जाएं, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी पे हमला कर दे चोर जान के। गाड़ी पे रुक जाते क्या किया जाए? चलो चलो चला जाए आगे चलते टॉर्च सिग्नल मार दे वो गाड़ी पहचान गाड़िया पहचान। तो भाई साहब मुझे लग रहा है कि रात के 11 बजे हम लोग पहले ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, है ना? ए, और एक बात और है, सांप वांप से भी बच के, ये नहीं है कि भूत से ही बच के, सांप वांप से भी बच के। बारिश का मौसम है, रास्ते पे देख के चलो। मैं हूँ ना एकदम बीच में छुपा हुआ है डरपोक। वो घर पे बोला था मैं सबसे आगे रहूंगा, डर तो हमको भी लग रहा है। कोई बैठा है क्या? अभी रुक जाओ, दिख नहीं रहा है इसमें कैमरे में, लेकिन कोई जैसे बैठा है कसम से। देख ये वीडियो में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, जूम करो जूम करो, बहुत दूर है कसम से। ये देखो 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 देखो, पहले से कुछ है। देखो देखो अब दिख रहा है, वीडियो है, वीडियो में दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है हल्का हल्का है। देखो हाँ हाँ भाई साहब पहले से ही कोई वहाँ बैठा हुआ, अब ये मत सोचना कि हम लोग बैठे आए हैं। नहीं नहीं पहले से कोई बैठा हुआ है, हम लोग तो अभी जा रहे हैं ना। अब मेरी कसम से जाने लायक है ना, काफी खतरनाक। कसम से यहीं से दिख रहा है देख, व्हाइट व्हाइट। रुक जा भाई, रहने दो मैं तो बोलता हूँ। देखो पेड़ उड़ भी और तो बारिश भी होने लगा तेज वाला, ये देखो सही है। वहाँ पे वहाँ जैसे जैसे वहाँ बढ़ रहे बारिश तेज होता जाओ, वहाँ पर मत जाओ, मेरी बात मानो आप लोग। सही में भाग चलते हैं, सही क्या बोलते हो, चले आगे। बारिश भी तेज हो रहा है, जैसे वहाँ पे बढ़ रहे हैं बारिश भी थोड़ा तेज हो रहा है, तो जगह बहुत खतरनाक। भाई साहब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना बारिश तेज होते ही जा रही है, जैसे लग रहा है कोई बता रहा है कि मत जाओ आगे। काफी तेज होती जा रही है और अभी कुछ दिखा है वहाँ पे, दिखा तो भाई साहब हमने डिसाइड ये किया है कि हम उधर ऊपर नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि बारिश भी तेज हो रहा है और भाई साहब थोड़ा सा डर भी लग रहा है इसके वजह से नहीं जा रहे आगे निकल। तो भाई साहब हम गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं यहाँ से, और अभी यहाँ से रिवर्स होगी फिर चलते हैं, लेकिन सीधे आने देना, साइड में देखना। साइड में देखना बोल रहा हूँ। हाँ पहिए वाले की सरकत हो रहा है, आने दो आवे दे पूरा ले लो आवे दे। तो भाई साहब गाड़ी रिवर्स करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ हो गया कि क्या बताऊँ, कम से कम 10 मिनट चला गया, जगह ही नहीं था यहाँ मुड़ने का। भाई साहब यहाँ से निकल रहे पता नहीं क्या क्या पंगा हो रहा है। तो भाई साहब थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, गाड़ी मतलब निकल नहीं पा रही है यहाँ से सही से, पता नहीं क्या नौटंकी हो रहा है। देखो उतर के सब लोग रास्ता वास्ता क्लियर करवा रहे हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा मिट्टी ना तो स्लिप कर रही है गाड़ी। भाई साहब अभी रास्ते में गाड़ी फंस गई थी, मतलब जो टायर है ना स्लिप कर रहा है गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप कर रही है। एक्चुअली ये घास है नीचे और टायर में मिट्टी लग गया, इसकी वजह से ग्रिप नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। तो अभी आराम आराम से लेके चल रहे हैं। चलो हाँ
भाई साहब अपने पार्किंग में पहुंच गया, कार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी तो धो दे रहे, नहीं तो कीचड़ सूख जाता और टायर में बहुत ज़्यादा कीचड़ लग गया तो वो भी धुल दे रहे, फटाफट धुल के इसको घर चलते हैं। मैं तो अब कभी नहीं जाऊंगा कहीं भूत ऊत वाले जगह पे। क्यों, निकल गई सारी है कड़ी, आ गया स्वाद। सबसे डरावनी जगह पे गए थे, मतलब आस पास के गाँव के सब जगह के सबसे डरावनी जगह यहाँ पे। और गाड़ी जो फंस गई थी, गाड़ी अरे भाई जी जान की हुक्की पक्की टाइट हो गई थी ना, क्या लग रहा था जी जान, निकल ही नहीं पाई गाड़ी। कार से नहीं जाने लायक था। देखो भाई साहब हमारा गेट भी बंद हो चुका है इतनी रात को, बाकी सब लोग इधर तो सो रहे हैं। समीर को फोन किया, समीर आ रहा है। क्यों गेट बंद कर दिया था रे? इतना डरावनी जगह थी ये, देखो क्या हाल हुआ। A few moments later. तो भाई साहब फटाफट घर पे आ गए और हमने नहा वहा लिया। और भाई साहब अगर वीडियो पे रिस्पांस अगर अच्छा रहेगा तो ऐसा हॉन्टेड वाले प्लेस पे हम फिर से कहीं जाए आएंगे, लेकिन भाई साहब बड़ा खतरा रहता है ऊपर से, रात में कार वार लेके जाने में तो और दिक्कत रहता, ऊपर से बारिश। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया। चलो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आने दो, देखो सरक रहा है सीधा। हाँ और जाए दो, आओ आओ थोड़ा आओ।